हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको हम बताएंगे ये डेटा एंट्री जॉब के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये दिल्ली से देखो कितने कितने सेल हुआ है। दिल्ली से एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, तीन बार हुआ है। हमें यहाँ पर सिर्फ दिल्ली का सेल निकालना है। और मेरठ में देखो कितने बार सेल हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर कर्जर रख कर डेटा पर जाना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें लिस्ट पे जाना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे सोर्स में इज इक्वल टू करके हमें जितना बड़ा लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना है माउस से। जब आप सेलेक्ट करोगे जितना बड़ा डेटा है, फिर आप ओके कर देना। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका डेटा ये लिस्ट बन गया। जैसे आपका दिल्ली का रिकॉर्ड निकालना है तो दिल्ली से जितना भी सेल हुआ है उसका रिकॉर्ड निकालना है। उसके लिए स्टूडेंट्स एक कंडीशन में बताऊंगा, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। देखिए यहाँ पे सम आ रहा है। सम क्या है, ये हमें जो रेंज सम करना है उसके बारे में बता रहा है। रेंज आप यहाँ सिंटैक्स को पढ़िए, रेंज तो हाईलाइट हो गया। तो रेंज क्या होता है, रेंज दिस इज रेंज। उसके बाद जैसे कॉमा किया मैंने, क्राइटेरिया किया, मतलब किसको लेके आना है, ये हमारा दिल्ली का सेल नंबर मतलब E1 कॉमा। उसके बाद बता रहे सम रेंज। सम रेंज मतलब ये आपका जो अमाउंट जो सेल हुआ है उस डेटा को सेलेक्ट करना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे 14,400 का दिल्ली से सेल हुआ है। देखिए ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप जोड़ के देख लीजिए ये आएगा। अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो मेरठ का, देखिए मेरठ का सेलिंग हमारे 4,300 का सेलिंग हुआ है। अगर आप यहाँ से चेंज कर देते हो ये हापुर का, देखिए हापुर का हमारा 14,223 का सेलिंग हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।